21 जून नूं अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है। इस दिवस नूं लैके आम लोकां विच उत्साह लगातार वध रहा है। कई शहरां विच लोक सवेरे जनतक थावां ते योग करदे नजर आउंदे ने। इस तों इलावा वख-वख संस्थावां वी लोकां नूं योग नाल जोड़न विच लगियां होईयां ने। अमृतसर विच वी अजिही ही इक संस्था वल्लों योग गुरु अमित शर्मा दी अगवाई विच लोकां नूं योग संबंधी जानकारी दित्ती जा रही है। एक बहुत ही खुशी की बात है, जो 70-80 वर्षों से हमारे भारत की जो प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, या भगवान के साथ अपने आप को अध्यात्म के साथ जोड़ने का जो योग है, इसकी ओर किसी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने इसको पहचाना भी और किया भी और महसूस करके पूरे विश्व में इसका जो मान सम्मान है बढ़ाया है, जो कि आज विदेशों की धरती पर भी 21 जून को योग दिवस मनाया जा रहा है। हमारे भारत में तो शुरू से ही ऋषि मुनियों की धरती रही है। योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा का तो ये एक घर रहा है। और आज इतनी खुशी की बात है कि पूरे विदेश से सैलानी भारत में भी आते हैं, योग से अपने मन को, शरीर को शक्ति देने के लिए, ऊर्जावान करने के लिए और स्वस्थ होने के लिए। और उसका यही प्रभाव है, हर वर्ग का व्यक्ति, हर जाति समुदाय का व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ होने के लिए योग को अपना रहा है। योग एक ऐसी चीज़ है जो आपका हार्मोन बैलेंस कर देती है। आपकी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है तो वो आप सबसे पहले आती है कि आपका हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है। और जब आप योगा से जुड़ते हैं, जब आप योग करते हैं, तो आपका माइंड जो है, आपकी सोल जो है, वो सब बैलेंस हो जाती है। आपको स्ट्रेस नहीं रहता। जब आपके हार्मोन बैलेंस हो जाते हैं, आपकी ओवरऑल बॉडी स्वस्थ रहना स्टार्ट हो जाती है। और योग का मेरे जीवन में बहुत महत्व है। मेरी एड़ियों में, बैक में बहुत पेन थी। जब से मैंने योगा स्टार्ट किया, मेरे काफ़ी हल्का महसूस करती हूँ और काफ़ी दर्द कम हुआ है। योगा मैं अभी सिर्फ एक टाइम कर पा रही हूँ, लेकिन उससे ही मेरे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है। ये बहुत बड़ा उपराला है कि योगा को वापस लाए और सारी दुनिया ने जाना कि योगा का क्या महत्व है। इसका कोई भी नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव ही असर है। हार्ट की प्रॉब्लम है, डॉक्टरों ने मुझे बहुत 4-5 साल बहुत दवाइयाँ खिलाई, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मुझे पता चला योग के बारे में, तो चांस की बात है कि अमित जी से हमारा संपर्क हुआ। उन्होंने हमें बुलाया अपने पास और कोई 15 दिन हो गए हैं वो हमें योग करा रहे हैं। और अब मैं पहले से अच्छा फील कर रहा हूँ। और पहले ऐसा था कि मैं 10 कदम नहीं चल पाता था, मेरे पेन शुरू हो जाती थी। और जब से योग कर रहा हूँ तो अब मैं 1-1 किलोमीटर पैदल चल रहा हूँ, मुझे कोई पेन नहीं हो रही और बहुत बॉडी हल्की महसूस हो रही है। और मैं दिन में 4-4 दवाइयाँ खाता था, अभी कोई भी दवाई नहीं खा रहा। सारी दवाइयाँ मेरी बंद हो चुकी हैं और मुझे कोई भी फ़र्क नहीं लग रहा उससे, दवाइयाँ बंद करने से मुझे अच्छा ही फील हो रहा है। योग का बेनिफिट तो है जी। हम तो ये चाहेंगे कि हर बच्चा, हर माँ बाप बच्चे को यही शिक्षा दे कि आप योग के सहारे आप अपने आप को फिट करो, ना कि आप दवाइयाँ खाओ। योग से जो अच्छाइयाँ मिलती हैं, दवाइयों से नहीं मिलती।